सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इन्फिनिक्स ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है। उस स्मार्टफोन का नाम है इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले। इस स्मार्टफोन की सबसे अहम खासियत कि इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है। इन्फिनिक्स ने अपने नए स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले को ग्लोबली लॉन्च कर दिया है। यह एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है जो कि इसी साल जनवरी में लॉन्च हुए इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले का अपग्रेडेड वेरियंट। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले में 6.82 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है। इसके अलावा इन्फिनिक्स के इस फोन में मीडियाटेक हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है और 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले की प्राइस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में अभी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आई है। फ़ोन को एक्सप्लोरेटरी ब्लू, हेज ग्रीन, पॉलर ब्लैक और सनसेट गोल्ड कलर में ख़रीदा जा सकेगा। अवेलेबिलिटी के बारे में भी अभी कंपनी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन इसके प्राइस के बारे में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इसकी प्राइस 8,499 रुपीज़। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस की, तो इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले में एंड्रॉयड 11 बेस्ड XOS 7.6 दिया गया है। फ़ोन की डिज़ाइन 3D मोशन रिदम है। इस फ़ोन में 6.82 इंच की HD+ IPS डिस्प्ले दी गई है जिसका रेजोल्यूशन 720p x 1640p दिया गया है। इसमें मीडियाटेक का हीलियो G35 प्रोसेसर दिया गया है और 4GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है जिसे मेमोरी कार्ड के जरिए 512GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। अब बात करते हैं इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले के कैमरा फीचर्स की, तो इस स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है जिसमें प्राइमरी कैमरा 13 MP का जिसके साथ AI का सपोर्ट भी दिया गया है और फ़ोन में दूसरा कैमरा VGA है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें 8 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले में कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS, 3.5mm हेडफोन जैक, माइक्रो USB पोर्ट, FM रेडियो, रियर पैनल पर फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। इस फोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 2 पावर सेविंग मोड के साथ आती है। फिलहाल ये स्मार्टफोन ग्लोबली लॉन्च हुआ है। इंडिया में कब तक लॉन्च होगा इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक्चुअल प्राइस के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही आ जाएगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।